अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेजी से चल रही है। अगले साल 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना की जाएगी। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। साथ ही अयोध्या में बड़ी संख्या में देश भर से लोगों के पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में समारोह को बेहद भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या निवासी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शहर में बड़े बदलाव होते देख रहे हैं। शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में एक हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर जाने वाली सड़क में पूरा ढांचागत बदलाव देखा जा रहा है। सड़क को चौड़ा किया जा रहा है तो कुछ दुकानों का भी पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के पहले चरण का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 26 जनवरी से राम मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर 160 खंभे लगाए गए हैं और एक व्यक्ति को दर्शन के लिए करीब 15 से 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। मंदिर का निर्माण तय समय पर पूरा करने के लिए 24 घंटे यानी 3 शिफ्ट में 2600 मजदूर काम कर रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की 2 मूर्तियां होंगी, एक प्रभु श्री राम की बाल्यावस्था की और दूसरी राम लल्ला की। मंदिर का निर्माण इस तरह किया जा रहा है जिससे हर साल रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें श्री राम की मूर्ति पर पड़ेगी, जिस पर रुड़की और पुणे के संस्थानों के वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही है।